ಅಖಿಲಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನೋ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕರ್ಣಸಾಗರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸುಬಂಧು ಬ್ಯಾನೋರ್ ಭಾಯೋ, ಹಮ್ನೆ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಭಜನ್ ಗಾಯೆ. ಅಭಿ ಅಭಿ ಜೊ ಭಜನ್ ಗಾಯಾ ಇಸ್ ಸಮಯ ಏಕ ಸಂಕೇತ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಹಮ್ ಪ್ರಭು ಜಿ ಸೆ ಬಹುತ್ ಕುಛ ಮಾಂಗತೆ ಹೈ. ಪ್ರಭು ಜಿ ನಹೀ ದೇಖತೆ ಕಿ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಿ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ. ಅಗರ್ ಹಮ್ ಪ್ರಭು ಜಿ ಕೋ ಚಾಹತೆ ಹೈ ತೊ ಕಭಿ ಕಭಾರ್ ಗುಗ್ಗು ಬನೆ ಯಾ ರಾಮರತಿ ಬನೆ, ದೇಖೋ ಉನ್ಕೆ ಅಂದರ ಯಾ ಮೀರಾ ಬನೆ ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬನೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಹಮೇ ಪಹಲೆ ಸ್ವಯಂ ಬನ್ನ ಪಡೆಗ. ಏಕ ಪುರಾಣಿ ಬಾತ್ ಯಾದ ಆಗಿ, ಜಬ್ ಮೇ ಬಹು ಛೋಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಪಡ್ತಾ ಥಾ, ಕಶ್ಮೀರ್ ಮೇ ರಹತೆ ಥೇ, ತೊ ಜೈಸೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಆದತ್ ಹೋತಿ ಆಪ್ ಭಿ ವೇ ಚಾರ್ಟ್ ಬನಾತೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಲಿಖತೆ ರಹತೆ ಹೈ, ದೀವಾರ ಪರ ಲಗಾತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ऐसा होते ही है तो मैं भी ऐसा कर रहा था, तो मेरे पिताजी जो बहुत हमसे प्यार भी करते थे, हमें अच्छे मार्ग पर भी चलाना चाहते थे, उनकी तारीफ तो पुत्र क्या करे, परंतु उन्होंने मुझे कहा जो लिख रहे हो मेरी तरफ से देखो, क्या लिख के दिया, फर्स्ट डिजायर देन डिजायर. उन्होंने मुझे एक जीवन का रास्ता दिखला दिया. आज वही भजन हमारे सामने है कि प्रभु से मांगते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बनते. इस अंग्रेजी को शब्दों का अर्थ जो नहीं समझ पाए उनके लिए यही है कि अगर कुछ चीज चाहते हो तो पहले उसके अधिकारी बनो, नहीं तो फजूल है. कोई भी काम करना है, कोई उच्च पदवी प्राप्त करनी है, कुछ प्राप्त करना है, और हमारे जीवन के निज जीवन के लिए भी यही बात सिद्ध होती है. हम कोई भी शास्त्र पढ़े तो मानव जीवन का लक्ष्य तो है मोक्ष. योग दर्शन पढ़े अंत में आता है कैवल्य पाद मोक्ष. धर्म अर्थ काम मोक्ष सब ग्रंथों में है, अंत में मोक्ष ही आता है. और गुरु को कहते हैं मोक्ष प्रदाता, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. तो मोक्ष ही मोक्ष है इस जीवन का जो लक्ष्य है, अगर हम उसको प्राप्त करना है तो हमें फिर अधिकारी बनना पड़ेगा. अब यहाँ जब अधिकार का काम शुरू होता है तो हमें सोचना पड़ता है कि प्रभु ने संसार में भेजा तो इस मोक्ष के प्राप्ति के लिए क्या कुछ दिया भी या वो खाली भेज दिया. शास्त्र उत्तर देते हैं कि नहीं, तुम्हें भगवान ने 5 खजाने दिए, उनका सदुपयोग करो अवश्य मोक्ष प्राप्त करोगे. पहले तो शरीर दिया, और शरीर को एक खजाना कहते हैं. खजाने का दूसरा नाम कोश है, और शास्त्र में लिखा है शरीर है ये अन्नमय कोश है,
ये अन्वय कोश भगवान ने दिया, यहाँ एक अन्वय कोश दिया, वहां अन्न भी दिया। ये अंशीद बड़ा होता है, ये कोश को बढ़ाने के लिए, बड़ा होने के लिए अन्न भी दिया, तुम्हें अन्वय कोश दिया। हम अगर इस अन्वय कोश का सदुपयोग करें तो मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। लिखा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के काम करने के लिए तो शरीर ही है, तो इस शरीर का हम सदुपयोग करें करें। परंतु मुसीबत यहाँ आती है कि जब हम अन्न का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, अन्न तो बना शरीर के लिए और हमने कहा शरीर बना अन्न के लिए, जो मर्जी खा लो, तो उल्ट काम हो गया ना। जितने महापुरुष हुए जिन्होंने सेहत के बारे में बताया है वो ये कहते हैं कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। बस अगर ये असूल ठीक चले तो फिर तो ये शरीर बना रहेगा मोक्ष का साधन और ये होगा अन्नमय कोश। अगर ना होगा तो फिर इसका नाम बदल जाएगा और वह होगा रोगमय कोश। आज अन्नमय कोश बहुत से लोगों का रोगमय कोश बन गया है, इसका नाम ही बदल गया। और कोश में उधर तो सिर्फ अन्न ही था, और अब अगर किसी को कि वो रोग के कोश या खजाने उनकी गिनती करे तो गिनती नहीं कर सकेगा। तो क्या इससे हमने क्या मोक्ष क्या प्राप्त करना है, जब जो भगवान ने हमें चीज दी है उसका हमने स्वरूप बदल दिया है, उसका नाम बदल दिया है, उसका स्वभाव बदल दिया है। तो जब श्री गणेश ही गलत है तो फिर आगे क्या होगा, आगे ये शरीर में शक्ति चाहिए ना तभी काम करेगा। और फिर जी शक्ति के अधिकारी नहीं रहा, रोगों के अंदर क्या शक्ति आएगी। लेकिन भगवान ने तो एक और कोश दिया हमें कि हम इस शरीर अगर वाकई ये अच्छा रहे तो इसके अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति से हम लाभ उठा सकते हैं, और उसका नाम रखा प्राणमय कोश। प्राणों का इतना भंडार है, मैंने कई बार कहा कि प्राण क्या है, ईश्वर की शक्ति का नाम प्राण है, जो हमारे अंदर ऊपर से आती है, जो हमारे अंदर चलती है और जिसका सर हमारे अंदर रोम रोम के अंदर प्रसार हो रहा है, जो हमारी प्राण नाड़ियाँ हैं उनके अंदर वो प्राण शक्ति बह रही है, वो है प्राणमय कोश। हम साधन करें, शरीर ठीक होगा तभी साधन करेंगे ना, प्राणों का आकर्षण तभी करेंगे ना, जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है उसको बढ़ाएंगे तभी जब हमारे अंदर शरीर की शक्ति होगी। तो हमने उसको भी बदल दिया है, उस प्राणमय कोश का भी नाम बदल दिया है। क्या नाम रख दिया, डिप्रेशन में कोश। अब वो डिप्रेशन में बदल गया, मैं डिप्रेस्ड हूँ। जिनके अंदर तो प्राण शक्ति है वो तो उछलते हैं, कूदते हैं, मौज लेते हैं, और जिनके अंदर प्राण शक्ति नहीं है वो डिप्रेस बैठे हैं, मुझे डिप्रेशन है। भाई हम क्या करें, शरीर ठीक नहीं किया तो प्राण कहाँ से आए, प्राण ना हो तो डिप्रेशन होगा। इसे पहला कोश खत्म किया और दूसरे कोश को डिप्रेशन कोश में बना लिया। अब ये डिप्रेशन कोश और रोग में कोश का मुख कितना ले जाएंगे, मोक्ष का रास्ता तो बड़ा दूर है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत साधना मांगता है और बहुत कुछ मांगता है। लेकिन भगवान को चिल्लाते रहे पुकारते रहे तो भगवान तो भी बने, भाई पहले वो बनो। तो अब जिसकी डिप्रेशन है तो उसकी नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा है वो आते हैं डिप्रेशन है तो फिर हर को दुख लगा रहता है, चिंता लगी रहती है और मन का
काम होता है कि बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी जीवन के लिए, मैं जीवन में ये करूँगा, मैं जीवन में वो बनूँगा, मैं लीडर बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं लोगों का भला करूँगा, मैं योग प्रचार करूँगा। लेकिन जब डिप्रेशन होगा तो मन भी काम नहीं कर सकेगा, मन में चिंता ही लगी रहेगी। तो ये भगवान ने तीसरा हमें कोष दिया है, मनोमय कोष, कि मानस द्वारा खूब मनन करो, संकल्पात्मक मन, नए नए संकल्प करो कि मैं ये करूंगा, सड़ ही करते रहो और कभी भी अपने आप को हीन भावना रखो, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो। परंतु वो जो मान लीजिए आशावादी बनने के लिखा था कि तुमने आगे चलना, मोक्ष तक पहुंचना है, अब ये करना है, वो करना है, योग करना है, तो क्या करे, वो मनोमय कोष चिंतामय कोष बन गया। तीन कोष हो गए हमारे पास, एक पत्थर के ऊपर दूसरा, दूसरे को तीसरा, पहला बन गया रोगमय कोष जिसको आनमय कोष कहते थे, दूसरा प्राणमय कोष बन गया डिप्रेशन में कोष, और तीसरा मनोमय कोष बन गया चिंतामय कोष। अब भगवान ने कुछ दिया था, हमने उसको कुछ बना दिया। तो जब ये हालत हो गई हमारी, तो मन जब कोई काम करना चाहता है, मन कहते मुझे बनूंगा, वो बनूंगा, तो भगवान ने एक शक्ति दी है कि थिंक बिफोर यू लीप, कदम उठाने से पहले देख लो ये ठीक है कि नहीं। वो काम है बुद्धि का, जिसे विवेक कहते हैं, विवेक आत्मा का बुद्धि, विवेक करो और ये ठीक है कि नहीं। परंतु मन जब चिंता में है तो बुद्धि क्या सोचे, मन के पास है चिंता, कि मेरे पास धन नहीं है, तो अब बुद्धि तुम में कैसे आए, बुद्धि को बुद्धि क्या सोचेगी। जब मान ही ऐसा है तो उसके पास एक आदमी आता है, भाई दादा जी आपको धन चाहिए, और ये कौन सी बात है, बड़ा धनवान हो जाओगे, मेरे पास एक अंगूठी है लाल लाल, अब पहनोगे माला माल हो जाएगा, कारोबार चल पड़ेगा, अगर रुकी हुई प्रमोशन रुक में अच्छा ठीक है, क्या बात क्या हो जाओगे, तो कहाँ है अंगूठी, अंगूठी तो है उसका कीमती है, क्या बताओ सही, 15,000 रुपये की है, 15,000 मेरे पास नहीं, अभी तो मेरे बकार बन चला, दादा जी 15,000 आपका कारोबार चल गया 15 लाख आ जाना है, तो 15,000 आप क्या बात है दे दो, फिर भी अच्छा कुछ कम दे दो। लाल अंगूठी लेगी पहन ली, आशा हुई बुद्धि के अंदर पत्थर पड़ गया, चिंता अब मेरे काम बन जाएगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, क्यों मैंने अंगूठी पहनी हुई है, किसी का मुकदमा रुका हुआ है, चिंता लगी हुई है, तो मन मनो में कोई चिंता, मैं चिंता कोई बन गया ना, अब चिंता ही चिंता है, तो सारा ग्राम है शरीर, अन्न में कोई गलत हो गया, प्राण में कोई गलत हो गया, और इसी प्रकार मनो में कुछ गलत हो गया, चिंता ही से लगी है, अब चिंता को निवारण कैसे करें। कोई आता है क्यों चिंता है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, अच्छा
ये हो जाएगी। मेरे पास एक चीज है, ले लो। ये चांद जैसी चमकती एक अंगूठी है, बड़ा भारी कीमती पत्थर है, किस जो इसके हाथ में डालते हैं उसके सारे मन को पूर्ण हो जाते। लड़की शादी क्या हुआ माता जी, तो कुछ भी चीज नहीं है। अच्छा भाई, तो अगर इसी वही तो ठीक है, ये अंगूठी है तो पहन लो। इसका मूल्य 25,000 रुपये है। पच्चीस बहुत भाई, लड़की की शादी बाद में लोग 5-5-10 लाख खर्च कर देते हैं, ये 25,000 खर्च करते धोखे में आ जाता है। क्या बुद्धि मारी हुई है ना, ये जो बुद्धि में कोश था उसको विज्ञान में कोश कहते हैं, वो आज बना हुआ है वह में कोश, भ्रांति में कोश। वह छुआ है, पत्थरों में फंसे हुए हैं, मेरी सेहत नहीं बनती जी। सेहत बन जाएगी, ये अब हरे रंग की अंगूठी मेरे पास ले लो, हरे भरे हो जाओगे। तो कितने की आती है ये बड़ी सस्ती है, 3,000 रुपये की सिर्फ आती है बस। 3,000, चलो कोई नहीं, दूध ना पिएंगे डाल लेंगे तो डाल देते हैं, सारे काम बन गए, लड़की की शादी भी हो गई, कारोबार भी ठीक हो गया और सेहत भी बन गई। अंगूठे पहन के फिर रहा है, ना लड़की की शादी हुई ना कुछ हुआ, और अंगूठिया खर्च कर दी थी 40,000 दे दिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। वो विज्ञान में कोश जो है, जिसने के विवेक करना था कि हम क्या करें, क्या सच है क्या गलत है, वो तो भ्रम में फंस गया, भ्रांति में फंस गया। अब बुद्धि तो खत्म हो गई, विज्ञान में कोश, भ्रांति में कोश बन गया, वहम में कोश बन गया, सारे कोश उल्ट कर दिए। भगवान ने मोक्ष के लिए दिए थे और अब इसको हमने उल्टा ही कर दिया, शीर्षासन करा दिया इसका। अन्न में कोश को हमने रोग में कोश बना दिया, प्राण में कोश को हम डिप्रेशन में कोश बना दिया, और मनोमय कोश को हमने चिंता में कोश बना दिया, और विज्ञान में कोश को हमने वैर में कोश बना दिया। अब क्या होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा भाई? नहीं फिर दीदी, हमें सुख तो हरिक जाता है ना, तो सुख जाता है तो ये कोश ठीक होता है, सुख होगा। भगवान ने कहा मोक्ष के नजदीक पहुंचने के लिए अगर तुम ठीक कोश रखोगे, शरीर को ठीक रखोगे, मन को ठीक रखोगे, प्राणों को ठीक रखोगे, बुद्धि को ठीक रखोगे, तुम उस जगह पहुंच जाओगे जो भगवान के नजदीक है, मोक्ष मिल जाएगा। ये ड्योड़ियां हैं, ड्योड़ियां खराब है, इन कोशों को कोठरी कहो या खजाना कहो कुछ कहो, वो रास्ते खराब है। तो अंतिम कोश को जो शास्त्र लिखा है कि उस कोश में जब पहुंचे, वो भगवान ने खजाना अपने पास रखा है, वो कहीं गया नहीं। शरीर भी अपने पास भगवान ने बना दिया है, प्राण भी बना दिए, मन भी बना दी, बुद्धि बना दी, कहीं गए तो नहीं, हमारे पास ही तो है, लेकिन हमने उनके स्वरूप को बदल दिया, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, और मन को इतना खराब कर दिया कि बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई। एक लड़का आता है, पत्री दबाई हुई है, क्यों भाई? कहाँ, मैं बड़ा ज्योतिषी हूँ। अच्छा, मेरी लड़की शादी करने में तो कब करें? 1, 2, 3, 4, 5 छह दिन, ये मुहूर्त ठीक है। तो बात यह है, मुहूर्त ठीक है, इसमें कोई उपद्रव भी है, रहो नहीं ठीक। वो कहे किसी को, मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करें, हर बीमारी का इलाज होता है, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। वो बेचारा रहो ठीक करने में लग जाता है, वो देखो कितने वहम पड़े हुए हैं। जहां से अगर बुद्धि ठीक होना,
तो शास्त्र कहते हैं कि जो हमारे कर्मों का फल मिलता है, और जब दिमाग खराब हो जाता है वो कहते हैं अंगूठियों का फल मिलेगा, वो पंडित की जो जंत्री जो है वो फल देगी। क्यों? कि दिमाग उलटे हुए हैं, हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमपंशी हुई है, इसलिए अंतिम जो भगवान ने कोश दिया वहां एंटर नहीं कर सकते। वो क्या है? आनंदमय कोश, जहां जाकर आगे मुक्ति मिलती है। आनंदम 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 शास्त्र कहते हैं, पर वहां तो वही पहुंच सकता है जिसने पहले कोश ठीक रखे हो। कैसे? जब बुद्धि एक अंगूठी में फंसी हुई है, बुद्धि केतु में फंसी हुई है, और मन चिंतन में फंसा हुआ है, प्राण डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, शरीर रोगों में फंसा हुआ है, तो वहां क्या पहुंचना है? आनंदमय कोश में। इसी आनंदमय कोश का नाम भी उन्होंने बदल दिया दुखमय कोश। अब पांच कोशों को जो शास्त्रों के हमने नए नाम दे दिए, और भी याद रखना, पहला है रोगमय कोश, दूसरा है डिप्रेशन में कोश, तीसरा है चिंता में कोश, और चौथा है भ्रांति में कोश, और पांचवा है दुखमय कोश। अब दुखमय कोश में हम गिरे हुए हैं, और दुखमय कोश का नतीजा तो नरक होता है, मुक्ति नहीं होती। तो आज हम प्रभु जी के चरण में बैठे हैं, प्रभु जी ने योग सिखलाया है, और ये सब योग के विपरीत बातें हैं। ये अंगूठे में योग के विपरीत हैं, ये बहन में जो विपरीत हैं, ये गलत खाना पाना में योग के अनुकूल है। योग तो कहता है सात्विक आहार मिताहार और समय अनुसार आहार, तीन सात्विक आहार हो और मिताहार हो और समय अनुसार आहार हो, तीन अगर नियम पर चलेंगे तो रोग आएंगे नहीं। रोग बाहर से नहीं आते, असल में अंदर से आते हैं। अंदर ठीक हो तो बाहर के रोगों का मुकाबला हो जाता है, पर अंदर गाड़ी खराब है, जिसके गाड़ी बिगड़ा हुआ है वो क्या किसी को कहेगा? अपना बेटा ही खराब है तो किसी को क्या लामा देगा? तो इसलिए पहले तो अपने शरीर ही खराब है तो हम क्या लामा दें कि पोल्यूशन है, वो है, ये है। ये पोल्यूशन वगैरह सब मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अपना खान पान ठीक हो तो हम सात्विक आहार से भी दूर रहते हैं, मिताहार से भी दूर रहते हैं, और समय अनुसार खाने से दूर रहते हैं। अब हमारे पास जो आते हैं आसन करते हैं, मैं तुम्हारे आसन का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम खाना ठीक करोगे नहीं। जी मुझे खट्टे डिगा रहते हैं, मुझे कब्ज रहती है, मुझे पेट फूला रहता है, मुझे गैस है। मैं कहता हूँ ये आसन से बिल्कुल नहीं ठीक होंगे। अगर तुम्हारा जो अंदर जाता है वो काम कर रहा है, तुम बाहर कर रहे हो, तो उसका हम एक डाइट चार्ट बना देते हैं, ये खाना है, इस समय खाना है, इतना खाना है, और हम अगर 10 को बना के देते हैं 9 को लाभ ही लाभ होता है। अब महीने के बदले बात क्या, वो योगा अनुकूल भोजन है, सात्विक आ रहा है, मिता आ रहा है, समय पर उपरा आ रहा है। तो ये तो ये नहीं कि हमारे लिखने का, मैं कहता हूँ यही हम सब के लिए है, परंतु हम नहीं। उधर से प्रसाद आया तो खा लिया, उधर से किसी ने दे दिया, हमें कहते तुम्हारा पेट है कि लेटर बॉक्स है जो अटल, तो लेटर बॉक्स होगा तो कभी आदमी निरोग नहीं रह सकता। तो इसलिए ये पहला चीज जो है अन्नमय कोश शुरू होता है, अन्नमय कोश गलत हो गया तो सारे कोश गलत हो गए और सबके नाम बदल गए, एक रोग में कोश बना और दूसरे सारे खराब हो गए। इसलिए हमें प्रभु योग के अनुसार जो कहते हैं योगानुकूल जीवन, योगानुकूल जीवन प्रभु जी के नियमों चलें, योग के साधन करें, खान पान ठीक रखें, विचार ठीक रखें, और अपने जीवन के उद्देश्य ठीक रखें, मन के अंदर भावना ठीक रखें, और बुद्धि को विवेकात्मक रखें कि ये है करना या नहीं करना। जब बुद्धि भरत जाती है किसी का अच्छे आदमी के लिए, वो शास्त्र किम कर्म किम अकर्म थी कवियों
अभी अत्र मोहिता, ये डायलमा सा आ जाता है ऊपर, क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस वक्त तो प्रभु जी है, हम तो प्रभु छोड़ देते, इधर पैर पड़े उधर पैर पड़े, आपकी मर्जी, और ठीक जगह पड़ते। तो जो ऐसी अवस्था आती है कि एक अच्छे आदमी को, विद्वान आदमी के सामने भी विवेक करने के वो लोग आने पर ठीक विवेक नहीं हो पाता, तो वहाँ फिर वो बनो प्रभु जी। परंतु जब शरीर ने इसे हम गलत कर दिया, शरीर ही खराब कर दिया, प्रभु जी के पास हो तो वो मौका नहीं आएगा जब प्रभु जी के पास आएंगे कि विवेक है, वो पहले ही गलत कर रहे हैं। क्या प्रभु जी आपको रोकेंगे कि आपने ये लाल अंगूठी नहीं पहनी, उनको क्या मुसीबत पड़ी है, पहनते रहो अंगूठियाँ, बनेगा कुछ नहीं, और मर्द नंगे बन गई अंगूठी पहनकर। तो इसलिए हम योग मार्ग पर चलने के लिए बड़ा, वो जैसे मैंने लिखा मेडिटेशन की किताब पुस्तिका में कि हमें जीवन बड़ा सादा करना चाहिए, नो लग्जरीज। सिंपल कॉम्फर्ट्स एंड लिमिटेड नेसेसिटीज, ये सिंपल लाइफ है। और हम तो अगर इस सादा जीवन बनाएंगे तो योग कुमार पी लेंगे, लेकिन हमें अपने जीवन ही नहीं ऐसे योग में बनाते तो फिर हमें लक्ष्य तक भी नहीं पहुँचते, चिंताएं लगेंगी। सब तो मुसीबत चिंता है ना, और चिंता जब वो बीच में आती है चिंता, शुरू भी गलत अखिल भी गलत और अंत भी गलत। तो शुरू से ही शरीर को ठीक रखे, सबसे पहले तो हम कहते आसन करो, ठीक भोजन करो, वो अगर करोगे तो अगला सफर पहुंच चलेंगे। पहला शरीर की नहीं हम गलत करते हैं, कहते योग करो वक्त नहीं है, नीति करो आज नहीं करेंगे कल करेंगे, इनकी सुस्ती और प्रमाद। जैसे योग में कहा ना कि योग के रुकावटें क्या क्या है, है ये आलस्य और प्रमाद और संशय, तीन खास है। संशय ये कि मैं योग में करो, डॉक्टर किसी लिए जब योगी करना तो संशय हो गया ना। तो हमने उसे कहा था जो आप देखते हैं टीवी में, कि हमने कहा भाई पहले बीमार हो तो योग में आओ, और ये सिंपल चीज़ है, योग में जल्दी ठीक हो जाती है। अगर किसी को सिर दर्द है, जुकाम है, दो दिन में ठीक हो जाएगा, और नहीं पहले डॉक्टर पास जाओगे वो दवाई देगा, 5-10 दिन और वेट कर लोगे बीमारी और बढ़ जाएगी और कुछ साइड इफेक्ट होगा, फिर आओगे तो योग में भी बहुत देर लगेगी। और अगर तुम्हारी बीमारी नहीं ठीक योग होती, हम खुद कहेंगे जाओ दवाई भी ले लो, ये तो रास्ते है। पर हम उल्टे रास्ते चलते हैं तो उससे फिर हमें जो बड़ा कष्ट है और बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको दो बातें बताई, तो योग करना चाहिए, और दुख के दुख हो तो योग की तरफ आए। अगर कोई समस्या है, घर की भी समस्या है, तो प्रभु जी के पास आए, ये नहीं कि ज्योतिषी के पास जाए जी मेरा देखो कौन सा हाँ तुम्हारी ये तकलीफ है ना, तुम्हारा ये शनि और रहु उल्टे घर में पड़े हुए, तो वहाँ उल्टे घर में पड़े हुए पास गए, प्रभु जी का आ गया, प्रभु जी आप ठीक करो, मन के संत हो जाएगा। तो ठीक है रास्ता, चाहे मानसिक चिंता हो या शरीर दुख हो, हम तो यही कहते हैं पहले इधर आओ और फिर इधर ना ठीक हो तुम खुद कहेंगे जाओ उधर, लेकिन वो तो रास्ता ठीक है, लेकिन उल्टा रास्ता जो है वो तो फिर हमें पगडंडियों में डाल देता है। बोल फिर सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम का।